थैंक यू नरेंद्र मोदी कि उन्होंने मुझे ये घर दिया। जिस हिसाब से हम लोग पास एक भी चीज नहीं, वरना हम लोग ऐसा सपने में ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा मकान मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उसका कि उन्होंने हम लोग को भी इतनी कम कीमत में दिया और हम लोग आराम से रह रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। मैं रविंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल भूखे पेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं राम गंगा इनक्लेव प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान भरे हुए हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। तो उससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिखाए थे आपने देखा, उसको लाइक भी किया, पसंद भी किया, तो वो खाली थे। मैंने आपको मेंशन भी किया, आज मैं दिखाने वाला हूँ जो फैमिली यहाँ पर आई हुई है उसे मिलकर उनका रिव्यू मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ और मैं भी चलता हूँ। आइए कैसे क्या ये फ्लैट को प्राप्त किया मैं इनसे पूरी जानकारी लूंगा। तो बाबू जी आपका नाम क्या है? धुरमुन शर्मा। तो ये धुरमुन शर्मा जी हैं, इन्होंने अभी शायद अभी आए स्कूल से बच्चों को लेकर के। अच्छा, तो ये आपको ये फ्लैट मिला, ये कब मिला था? ये एक महीना हो गया। इसमें आपने जो इंस्टॉलमेंट जो पड़ रही थी वो पूरा पेड करने के बाद ही आप लोगों को मिला है? अच्छा, ये फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स से, जो इंस्टॉलमेंट जो पड़ रही थी जो देनी थी वो पूरा देने के बाद ही इनको कब्जा लेकर मिला है और इनको ये फ्लैट मिल गया। और ये फ्लैट मिलने के बाद आप लोग कैसा लगा? कोई खुशी महसूस हुई होगी? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने कम कीमत में नहीं मिलने वाला है। तो इसमें आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? आप हमें भारत के प्रधानमंत्री जी को या किसी को भी नहीं? प्रधानमंत्री ने दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने दिया तो आप उनको धन्यवाद अदा करना चाहते हैं? भाई हम लोगों के पास कुछ था नहीं। बिल्कुल सही बात है, तो दिया है उसके हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। आप मतलब भारत के ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि आपको अच्छा लगा। अच्छा, इसके पहले आप लोग कैसे क्या मतलब किराए पर रह रहे थे? बिल्कुल 40 साल हो गए। 40 साल से आप लोग किराए पर रह रहे थे? अरे वाह, चलिए ये तो खैर बहुत अच्छा लगा। और भैया क्या, भैया आप क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो खर्चा पानी कैसे कैसे चलता है? वैसे कि आप चलाते हैं, भाऊ जी कुछ पेंशन वगैरह कहीं से मिल रही है? कारपेंटरी काम करते थे। अच्छा, कारपेंटरी करते थे। इनको तब से मतलब 10-12 साल हो गए बैठे हुए। अच्छा अच्छा, मेरा छोटा भाई है और हम हैं। अच्छा, हम ही दो लोग मतलब कमाते हैं, उसी से घाटा वगैरह मिलता है। अच्छा अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का मकान मिल गया और ये बहुत अच्छी, हम लोग बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम ये गरीब लोगों को या मीडियम क्लास के लोगों को मकान मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं। और यही चलिए ये बेडरूम दिखाते हैं, कैसा बेडरूम में सेटलमेंट है, जा सकते हैं ये देखिए छोटे से बेडरूम में कैसे सेट किया है। ये कोई मॉडल नहीं है, ये मैं रियल दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मैं रियल दिखा रहा हूँ सेटलमेंट कैसे किया है। सिंगल बेड डाला हुआ है, अलमारी अलमीरा है, बक्सा वगैरह भी है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। ये बालकनी का रोल है ना, ये जी जी, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये आप देखिए। तुम नहीं पढ़ने जाते हो? बड़ा भैया तो गया था पढ़ने। ये देखिए, अच्छा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फ्रिज कहाँ पर रखा जाएगा, तो जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ देखिए छोटे से किचन में इन्होंने फ्रिज को भी एडजस्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि किस तरह से हम कैसे क्या एडजस्ट करेंगे, फ्रिज कहाँ एडजस्ट करेंगे, आप देखिए फ्रिज भी इन्होंने इस किचन में एडजस्ट कर रखा है। बाकी डिब्बे वगैरह भी रखे हुए हैं, दाल चावल जो भी रखना हो रखे हों। और
बाकी मैंने आपको फ्लैट, ये फ्लैट दिखाया भी है आपको, खाली फ्लैट दिखाया था। ये किचन, ये लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड, जैसा आप हमारे जो पहले वीडियो पड़ा उसमें आप देख सकते हैं। तो क्या इसमें आप कुछ पार्लर वाले भी काम करते हैं क्या? इतना सामान लगा हुआ है। अच्छा 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 पार्लर का भी काम है आपका? अच्छा थ्रेडिंग वगैरह का। ये देखिए टीवी भी लगा हुआ है, टीवी के लिए जगह इन्होंने बहुत अच्छी जगह चुनी है। और ये क्या मतलब, ये जो दिया हुआ है ये एमसीबी है, एमसीबी लगी हुई है पूरे रूम की, पूरे फ्लैट की एमसीबी है। तो ये आपकी खाली की, इसमें और भी लोग होंगे? सिर्फ हमारी है, आपकी है, सब बाकी सबकी अलग अलग लगी है। अच्छा 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 अच्छा, ये सिर्फ हमारे लोग के रूम की एमसीबी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो और हम जैसे वैसे और फिर कुछ पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या और क्या कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कुछ आप लोगों को? नहीं यहाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं बस ये प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम एक हो रही है, अभी लोग आ रहे हैं तो और काफी बोरियत महसूस होती होगी आप लोगों को? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगल बगल लोग आए हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब दूर दूर आदमी ना हो, वहाँ बोरियत होती है, यहाँ तो अगल बगल लोग रह रहे हैं, रह रहे हैं तो उससे कोई बोरियत। लेकिन ये जब लोग रहने लगेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। जी जी जी। अच्छा आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि जब महिलाएं एक साथ हो जाती हैं तो टाइम जल्दी पास होता है। भैया तो गरीब आदमी हम लोग जल्दी से आ गए हैं, हम लोग के पास प्रॉब्लम तो जल्दी आ गए। नहीं नहीं ठीक है, अगर आप लोग आ गए तो धीरे धीरे बस्ती चलेगा, एक एक लोग आएंगे तभी यहाँ पर बस्ती होगी। अभी सभी लोग यही सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट किया है, हम लोग एक मिडिल फैमिली से है, हाई फैमिली से नहीं है हम लोग, बिल्कुल सही। बहुत सा कुछ बनाना है, कुछ बन गया है कुछ ऐसा, लेकिन शुक्रम का थैंक यू नरेंद्र मोदी कि उन्होंने मुझे ये घर दिया, घर दिया। जिस हिसाब से हम लोग पास एक भी चीज नहीं, मतलब हम लोग ऐसा सपने में ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा मकान मिलेगा। बहुत अच्छा, लेकिन शुक्रम उसका कि उन्होंने हम लोगों को इतने कम कीमत में दिया और हम लोग आराम से रह रहे हैं, गुजर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी सब कुछ फिनिश करके दिया है, लाइट्स वगैरह कनेक्शन से लेकर के वायरिंग वायरिंग सब कुछ टोटल करवाना पड़ता है। अच्छा नहीं ये जो वायर सब कम्प्लीट करा दिया है जी। बहुत अच्छा, सब कुछ कम्प्लीट करके दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। हम लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने मतलब कम हम लोग को इतना बढ़िया घर मिला। बहुत देखिए, ये हम बताना चाहते हैं व्यूअर्स की कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है इनको की ये 2,00,000 रुपए में इनको फ्लैट मिला है, और कितनी प्रसन्नता ये जाहिर कर रहा है। मैं सभी लोगों को अपने पब्लिक जो भी हमारा वीडियो देखेगी उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने आज वीडियो आपको दिखाया, इनका रिव्यू दिखाया, इनसे मिले, इनसे बातें करी। तो प्लीज आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत।